मेरे बॉयफ्रेंड का नाम पिकासो था, वो बहुत स्केचिंग और डूडलिंग करता था। तूने वो लड़की देखी? मुझे ऐसा लग रहा है कि कई दिन से वो मुझे फॉलो कर रही है। मैं पिकासो की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, सुप्रीत। आ गई ना तुम भी उसके चक्कर में। डोंट लुक शॉक्ड, वो सबके साथ ऐसा ही करता है। गाइस, लेट्स फॉलो। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है? अगर इसने कुछ उल्टा सीधा किया ना, तो मैं ही मार डालूंगी इसे। हाय कोमल। कोमल कौन है? वो तुमसे कुछ तो छुपा रहा है ना? मैं इसकी क्या कमी थी मुझ में जो उसने ऐसी लड़की को चुना? तीन छोटे से शब्द, आई लव यू। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आई लव यू कह तो देते हैं बट दे डोंट मीन इट। इन लोगों के पार्टनर्स के साथ अक्सर होता है इमोशनल अत्याचार। इस सीजन में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे दोस्तों की कहानी जिन्होंने अपने फ्रेंड को ऐसे अत्याचार से बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत कम लोग ये कर सकते हैं जो इन लोगों ने किया है। This is Pravesh Rana on NV1000 presents Bindaas Emotional Atyachar Season 5. अब तहकीकात यारों के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में अचानक से आ जाते हैं और हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बदल देते हैं। हमारी आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। आइए मिलते हैं आरती से। हेलो, हाय, वेलकम टू इमोशनल अत्याचार। थैंक यू। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। कौन कौन है फैमिली में, कहाँ से हैं आप? हम मुंबई से हैं। okay. और मॉम डैड घर में हैं। ओके, तो डैड क्या करते हैं, घर का माहौल कैसा है? मैं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली में बिलोंग करती थी और मेरी फैमिली ऐसी थी कि कोई ना कोई पीछे लगवाते थे कि लाइक मेरी बेटी कहाँ क्या कर रही है, देखो। सेल फोन नहीं देते थे। मॉम का कहना था कि अगर एग्ज़ाम में 80% मार्क आएंगे तो ही मुझे सेल फोन मिलेगा। ऐसा था कि मेरे ज़्यादा बॉयज़ फ्रेंड नहीं थे, तो मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी लाइक, और उसका नाम मुग्धा था। मुग्धा, हेलो मुग्धा, वेलकम टू इमोशनल अत्याचार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आप इनकी इकलौती फ्रेंड हैं? काइंड ऑफ, हाँ, इन्हीं से पूछ लीजिए। ऐसा क्या है आप में? एक्चुअली मैं इसकी बॉडीगार्ड हूँ बेसिकली। इसकी मॉम को हमेशा सही लगता है कि मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ ही घूमे, थोड़ा सिक्योर फील करती है। हाँ। अच्छा बताएं, जिनकी वजह से आज आप यहाँ हैं उनके बारे में। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम पिकासो था। पिकासो? इतनी उम्र तो नहीं लगती आपकी कि आप पिकासो। एक्चुअली उसका नाम पिकासो मतलब उसका नाम मुकुल था। मुकुल को पिकासो इसीलिए बुलाते थे क्योंकि वो बहुत स्केचिंग और डूडलिंग करता था। कहाँ मुलाकात कहाँ हुई आपकी? जब मैं ट्यूशंस लेने लगी बायोलॉजी के, तब ये जो मेरा बॉयफ्रेंड पिकासो है, मेरी मुलाकात उससे वहीं हुई। रिलेशनशिप कैसा चला? पहले पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन
जैसे हम ट्यूशन में एक ही क्लास में पढ़ते थे तो अचानक एक दिन बोलने लगा कि लाइक ही इज़ वेरी वीक इन फिजिक्स. तो उसने क्लास छोड़ दिया बायो का एंड वो फिजिक्स क्लास के लिए गया. मुझे बहुत याद आने लगी उसकी और याद आने लगी तो बाद में मैंने मुग्धा को कॉल किया और मैंने उसको कहा कि मुझे उससे मिलना है, प्लीज़ मिलवा, हम चले जाते हैं उसके घर. क्या कहा? क्या कह सकती थी? यस मैम. कहाँ रह गई थी? चल जल्दी चल, जल्दी चल. ले, तेरा 5 बजे का कॉल आ गया. हेलो, किधर हो तुम? हाँ मम्मी, बस हम लोग अभी अभी ट्यूशन से निकले हैं पर आज आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी. वो अनन्या के घर जाना है, कुछ नोट्स फोटोकॉपी कराने हैं. ये अनन्या कहाँ रहती है? मम्मी यहीं वेस्ट में ही रहती है. अच्छा ठीक है, 7 बजे तक घर आ जाना. हाँ मैं सीधा घर ही आऊँगी. और हाँ, बहाने बनाकर अगर इधर उधर घूमने का इरादा है ना तो याद रखना मम्मी के जासूस हर तरफ हैं. नहीं मम्मी, मैं 7 बजे तक घर आ जाऊंगी. मैं एक्चुअली क्या करती थी, जब भी कहीं जाना होता था तो एक पहले एक इमेजिनरी गर्ल बनाई थी अनन्या करके. अनन्या थी नहीं, कोई नहीं थी. घर पे क्यों नहीं बता सकती थी आपकी ये लड़का है, इसको मैं कुछ टाइम से जानती हूँ, आई लाइक है. नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं ऐसे प्लीज, ऐसे कभी नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता. नहीं, मुझे बॉम्ब तो घर से बाहर ही निकाल लेती. मैंने तो इसकी मॉम का नाम ही CBI नाम से सेव कर दिया. परेशान हो गई थी, इतनी जासूसी करती थी ना आंटी, इतनी जासूसी, मैं परेशान हो चुकी थी. ट्रस्ट. क्यों आपको क्यों ऐसा लगता है करती थी वो ऐसा? क्योंकि मुझे खुद लगता था कि मेरे पीछे कोई है जो मुझे देख रहा है. इसे देखे नहीं देखा, मुझे लगता था मुझे कोई देख रहा है. आज पहली बार पिकासो के घर जा रहे हो. चल अब जल्दी चल चल. ये पकड़ और ना तू इसमें से कुछ नोट फोटो कॉपी करा लेना. कौन से नोट्स? अरे कोई भी 2-3 करा लेना, मम्मी को दिखाने पड़ेंगे ना. ठीक है, टेंशन मत. और हाँ, मुझे आधे घंटे में ठीक यहीं मिलना. ओके हाँ बाय. एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना मैडम? 403 बी विंग. किससे मिलने? मुकुल श्रीवास्तव. आप कौन? बहन है मेरी. बहन? एक और बहन? एक की लिमिट है क्या? नहीं मैं तो बस. चलो आरती. ये बाकी बहनें कौन है? अब वो क्या कि पिछले हफ्ते रूममेट की गर्लफ्रेंड आ गई थी तो उसने वॉचमैन को कह दिया कि वो मेरी बहन है. तुम छोड़ो ना ये सब, चलो. ये क्या है? स्केचेस. तुम्हें तो पता है मैं स्केचेस बना रहा हूँ. ये कैसा फेस है? अब ये इतना अच्छा नहीं, प्लीज इसे मत देखो. ओके. अब ये भी इतना अच्छा नहीं, सो सॉरी. ओके. ये कैसा फेस है? एक्चुअली मैं एक परफेक्ट फेस बनाने की कोशिश कर रहा था. तो ये तुम्हारा परफेक्ट फेस है? एक्चुअली नहीं. ये है मेरा परफेक्ट फेस. इट्स सो ब्यूटीफुल. यू लाइक इट? बेबी एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आज मेरा रूममेट भी घर पे नहीं है और तुम और मैं यहाँ अकेले.
तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को इस मोमेंट को यूटिलाइज करना चाहिए? एक्चुअली यू आर राइट. यू नो हम लोग साथ में टाइम तो स्पेंड कर नहीं पाते हैं, तो क्यों ना आज कुछ साथ में करते हैं. चलो झाड़ू निकालो फिर. झाड़ू क्यों? क्योंकि मैं सफाई करने की बात कर रही थी. सॉरी 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 सॉरी. कहाँ रह गई थी तू? जल्दी बैठ, 15 मिनट में घर पहुंचाना है. तूने वो लड़की देखी? मुझे ऐसा लग रहा है कि कई दिन से वो मुझे फॉलो कर रही है. आई मीन मैं उसे नोटिस कर रही हूँ कि वो हर जगह होती है. आज ट्यूशन के बाहर भी देखा और आज यहाँ पे भी है वो. अगर बहाने बनाकर इधर उधर घूमने का इरादा है ना, तो याद रखना मम्मी के जासूस हर तरफ है. ओ फ्रीक, मैं जानती हूँ ये कौन है. ये मेरी मम्मी की जासूस होगी. ये तो यहीं आ रही है. देखो मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी मम्मी ने भेजा है ना मुझ पर नजर रखने के लिए. प्लीज उन्हें मत बताना कि मैं किसी लड़के के घर थी. नहीं, मुझे तुम्हारी मॉम ने नहीं भेजा. तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? मैं पिकासो की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ सुप्रीत. एक्चुअली मैं और पिकासो केमिस्ट्री की कोचिंग क्लासेस में मिले थे. उसके बाद फॉर अबाउट 3 मंथ्स वी वर इन अ रिलेशनशिप. 3 महीने तक सब ठीक था. इट वॉज अ नाइस टाइम. फिर अचानक उसने कोचिंग क्लासेस आना छोड़ दिया. उस दिन से उसका बिहेवियर काफ़ी वियर्ड हो गया. रात रात को फ़ोन बिजी आता था, घर टाइम पर नहीं पहुँचता था. आई जस्ट न्यू दैट ही वॉज चीटिंग ऑन मी. मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, पर उससे पहले ही उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया. वो ऐसा नहीं कर सकता. उसने ऐसा ही किया है और वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा. नहीं, he loves me. How do you know he loves you? I just know. आ गई ना तुम भी उसके चक्कर में. Not your fault. वैसे किया क्या था उसने तुम्हारे लिए? कार्टून स्ट्रॉ किए थे या फिर किसी नोटबुक पे ड्राइंग बना के तुम्हें कॉफी के लिए पूछा था? डोंट लुक शॉक्ड. वो सबके साथ ऐसा ही करता है. टेल मी समथिंग कि तुम्हें कभी रात को उसका फोन बिजी नहीं मिला? मेरे पास मोबाइल नहीं है. इसे 80% आएंगे एग्जाम में तो मोबाइल मिलेगा. तो तुम हफ्ते में कितनी बार मिलती हो उससे? कोचिंग क्लासेस में मिलते थे, बट अब बट उसने कोचिंग क्लासेस छोड़ दिए, राइट? अमेजिंग. आई डोंट बिलीव दिस. यू आर द परफेक्ट कैच फॉर हिम. देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है वो मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कि तुम उसे पसंद ही ना हो. मुझे पता है कि पिकासो लव्स मी, तो तुम मुझे फॉलो करना बंद कर दो. छोड़ दूंगी. लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है ना, तो रात को एक बार उसे फोन कर लेना.
और अगर मुझसे बात करनी होगी तो बगल वाले गर्ल्स हॉस्टल आ जाना। सेफ। मुझे कहीं ना कहीं पिकासो पे शक सा होने लगा कि वो लड़की सुप्रीत ने भी बोला था, वो वॉचमैन का भी जैसे उसने बोला था कि ये मेरी बहन है। और बाद में मैं घर गई तो मुझे उसको कॉल करना था। एंड यू नो व्हाट, कि इमोशनल अत्याचार में मैंने बहुत देखा है कि लोग कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं फ़ोन कॉल्स, लेकिन मेरे पास ये कुछ ऑप्शन ही नहीं था करने का। एंड बस एक फ़ोन कॉल करना वो एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था मेरे लिए। किसे फोन कर रही थी? नहीं मम्मी, मैं तो वो पेन ढूंढने आई थी। पेन ढूंढने? रिसीवर गरम है। किसे फोन कर रही थी? मैं अनन्या को फोन कर रही थी, उससे नोट्स के बारे में कुछ पूछना था। अनन्या को? मुझे क्या करना है? मुझे ऐसा हुआ कि कब सवेरा हो जाए और मैं उससे मिलूं पिकासो से, कि मुझे मिलना था उससे। बाद में सवेरा हुआ तो मैंने पीसीओ से कॉल किया और मैंने पूछा कि तू कहाँ है। आई थॉट कि वो अपने फिजिक्स क्लास में बिजी होगा और सब, लेकिन उसने मुझे बोला नहीं मैं घर पर हूँ, मैं बीमार हूँ। और ये सोच के मैं बुरी सेंटी हो गई। तो बाद में मैंने मुग्धा को कॉल किया। ड्राइवर ऑन सर्विस? हाँ। घर में नहीं है, चल गार्ड से पूछते हैं। मुझे भैया 403 में कोई नहीं है क्या? 403 मुकुल श्रीवास्तव? हाँ। जी नहीं, वो तो सुबह सुबह अपनी बहन के साथ निकल गए थे। सो बेसिकली तब मैंने देखा कि आरती बहुत ज्यादा टेंस्ड हो रही है, टेंशन में है। सो आई थॉट कि अब एक ही चीज है जो कर सकते हैं, वो है सुप्रीत को कांटेक्ट करना। फिर वी वेंट टू अ हॉस्टल एंड वी मेट ऑल द थ्री ऑफ अस। आरती, मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो लड़का ठीक नहीं है। लुक, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो मुझसे चीट कर रहा है, लेकिन वो तुमसे कुछ तो छुपा रहा है ना। हेलो। हाय। Welcome to Emotional Tisha. Thank you so much. Have a seat. Hi. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. And how are you? मैं बिल्कुल first class हूँ. Thank you. तो पता तो है ही आपको हम किस बारे में बात कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल. That's why we are here. तो आप उनको जब second time मिली, हाँ, तो क्या हुआ? हमें उस पर नजर रखनी होगी।
वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उसकी हर मूव पर नजर रखना। गाइस लेट्स फॉलो हिम। तो सारा दिन हम उसे फॉलो करें, नाइस प्लान। तुझे पता है ना एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं अपने घर में पढ़ाई करती हूँ ना, पढ़ाई के बीच में उठ के अगर मैं बाथरूम भी जाऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मॉम मुझे खुद फॉलो कर रही है। आरती जब तक हम पिकासो को फॉलो नहीं करेंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। एक इंसान है जो ये बता सकता है कि पिकासो कब और कहाँ जा रहा है। कौन? कौन? याद रहे वो कब आता है कब जाता है किस किस को घर लाता है, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। चिंता मत कीजिए मैडम, आपका भाई मेरे रहते हुए फेल नहीं हो सकता। अगर वो अपने दोस्तों को घर लेके आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो हमें लगा ऑब्वियसली जैसे आदत से मजबूर कभी ना कभी तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड आ जाएगी, बट आई गेस ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हमने एक दो दिन वेट किया, काफ़ी दिन वेट किया और ऊपर से वैलेंटाइन डे आ गया तो आरती जी को पिकासो के साथ अपना पहला वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना था। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू बेबी। क्या है ये यहाँ क्या कर रहा है? बेबी ये है क्या? पिकासो ये लड़की का स्ट्रैप है। कि यहाँ क्या कर रहा है ये? सीरियसली लड़की का स्ट्रैप और यहाँ पे मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ से आया, शायद तुम्हारा। ये मेरा नहीं है। किसका है ये? होगा यार रूमेट की गर्लफ्रेंड का होगा। तुम्हारे रूममेट की गर्लफ्रेंड का स्ट्रैप तुम्हारे रूम में तुम्हारे बेड पे रह गया होगा। वो क्या है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड आती है ना तो वो लोग मेरा बेडरूम यूज करते हैं। तुम्हारा रूममेट उसकी गर्लफ्रेंड तुम्हारे रूम पे तुम्हारे बेड पे पता नहीं क्या क्या करते हैं। तुमने बेडशीट चेंज करी? ओके रिलैक्स रिलैक्स, मैं अभी करता हूँ, मैं अभी नई बेडशीट लेके आता हूँ, ठीक है? तुम बैठो यहाँ पे। जैसे वो बाहर गया तो मैंने सारे कबर वबर खोले उसके, तो एक ड्रॉवर में बहुत सारे स्केचेस के बंडल थे, मैंने वो जल्दी से अपने बैग में डाले। I'm so sorry, यार। मैं बस दो मिनट में से बिछा देता हूँ। ओके पिकासो लिसन, देखो बहुत अंधेरा हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए, प्लीज कल कर, हाँ बाय। घर जाने के बाद यू नो स्केचेस जो थे वो एक पेज के ऊपर किसी की आँख बनी थी तो किसी की नाक बनी थी, किसी के लिप्स बने थे। मैं वो सारे ट्रेस किए और किसका चेहरा बनता है मैंने वो देखने की कोशिश की। और ये पूरा एक स्केच बन गया और ऐसा वाला स्केच मैंने उसके घर पर भी पहले देखा था। ये कैसा फेस है? एक्चुअली मैं एक परफेक्ट फेस बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे पूरा डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से पिकासो की असलियत सबके सामने आए, तो देन वी थॉट अनदर मेजर प्लान। तो हमने सोचा क्योंकि मुझे भी जानता है वो, आरती को भी जानता है, तो व्हाई नॉट कि हम किसी लड़की को भेजें, एंड आई एम श्योर कि ही विल फॉल फॉर द गर्ल। फिर हमने सोचा नो वे। यस, उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया है ना मेरे पे।
एक्सक्यूज मी, ये MRDK कॉलेज कहाँ है आपको पता है? MRDK, yes, I mean, it's not too far. आपको यहीं से ऑटो मिल जाएगा. अगर आप बुरा ना माने तो can I ask you something? Just come here. I think थोड़ी सी मो चाहिए आपको. It's okay. I'll manage. मैं छोड़ देता हूँ, मेरे पास कहाँ है? नहीं, it's okay. I'll manage. मैंने बोला मैं अभी क्या करूँ, I have no other option, I have to say yes. पहले मैंने थोड़ा नाटक किया था, मैंने okay fine, I'll go with you. So are you feeling better now? Okay, yeah. just one second. ये pain killer है, just have it, दर्द कम हो जाएगा. मैसेज कर दिया कि ये मुझे घर ड्रॉप करने जा रहे, तुम लोग वहां पहुंचो. बाय द टाइम हम लोग पैनिक हो गए कि यू नो वेयर इज मुग्धा, एंड लाइक वी वर सीरियसली वरीड फॉर हर. और फिर हम फटाफट हम दोनों ने रिक्शा लिया उसके घर की और भागे. मुग्धा, मुग्धा, ठीक तो होगी ना मुग्धा? लिसन, आई थिंक हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा. लेट्स जस्ट ट्राई ना. Oh my God. Are you okay? Basically, इन लोगों को कोई आइडिया नहीं था क्या चल रहा है. इतनी देर क्यों लगा रही दरवाजा खोलने में? उसने मुझे बोला कि मुझे पानी पीना है. So can I come up? I was like, अब क्या करूं? But then मैंने सोचा चलो ठीक है, अब देखते हैं. He'll take a try. अगर कुछ होगा तो he'll hit on me and everything. I was like, चल. मैंने सोचा कुछ अलग करती हूँ. पानी की जगह मैंने उसे बियर ऑफर कर दिया. मेरे को लग रहा था मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी. सो व्हाट आई डिड वाज मैंने अपने फ़ोन को टेबल पे रख दिया रिकॉर्डिंग मोड पे, एंड आई सैट डाउन ऑन द काउच विथ हिम एंड वी वर हैविंग एंड एवरीथिंग. बियर पी रहे थे. बट देन सिंस आई हैड द पेन किलर, सो बिकॉज ऑफ दैट मेरा रिएक्शन हो गया एंड आई पास्ड आउट. I didn't know, but then I was sure कि जो भी हुआ I had that recorded. So I have proof. अगर कुछ होता भी है तो सामने है जो है. So I was like, ठीक है तुम लोग वो देखो, I have this, ये सब है मेरे पास, जल्दी चलो हम वो देखते हैं क्या है. अगर इसने कुछ उल्टा सीधा किया ना तो मैं ही मार डालूंगी इसे. हाय कोमल. हाँ बोलो. क्या फिजिक्स के नए नोट्स मिल गए? दैट्स ग्रेट न्यूज. ठीक है तो फिर मैं तुमसे कल मिलता हूं. ओके ओके ओके. आई लव यू टू बेबी. Bye. ये कोमल कौन है? फिजिक्स के नोट्स. ये एक मिनट एक मिनट गाइस, जब मैं उसको डेट करती थी तो वो मुझसे केमिस्ट्री के नोट्स लेता था क्योंकि मैं केमिस्ट्री की टॉपर थी. वाह. और मुझसे बायो के नोट्स क्योंकि मैं अपनी कोचिंग की टॉपर थी. मतलब ये कोमल फिजिक्स वाली होगी, जरूर उससे फिजिक्स के नोट्स लेता होगा. कोचिंग
क्लास की टॉपर लड़कियों को पटाता था और उनसे नोट्स लेता था, बस इतनी बात के लिए इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? अगले दिन दिन के समय फिजिक्स ट्यूशन पे गए क्योंकि पता था पिकासो तो शाम को ही आता है पढ़ने लिखने का, तो उसका कोई ज़्यादा काम होता नहीं था। और फिर हमने प्लान किया हम रिपोर्टर्स बन जाएं और वहाँ पे ट्यूशन वालों को जाके कहें कि हमें आपके टॉपर्स की पिक्चर्स चाहिए, उनकी एडवर्टाइजमेंट होगी एंड ऑल दैट। हमने सोचा कि चलो ठीक है, इसी बहाने हम पता लगा लेंगे कि आखिर ये कोमल है कौन जिसकी वजह से वो इतने लोगों को धोखा दे रहा था। ओ नमस्ते, नमस्ते है, वेलकम वेलकम। आइए अब मैं आपको अपने स्टूडेंट से आपका परिचय कराता हूँ। नेहा अरोरा 91%, वो सौम्या गुप्ता 93%, और ये है हमारी क्लास के टॉपर कोमल, कोमल जायसवाल 98%। कोमल कोई लड़की नहीं थी बल्कि वो एक लड़का था। तो हम ऑलमोस्ट लाइक वी वर सैड, मतलब पिकासो हमारे हाथ आ ही नहीं रहा था जबकि हमें फुल प्रूफ था कि वो कहीं ना कहीं हम सबको चीट कर रहा था। तो मैम हम स्टाफ मेंबर्स का भी एक फोटो ले लीजिए क्योंकि उनको टॉपर बनाने हमारा भी कंट्रीब्यूशन है ना। श्योर श्योर, यस। हाँ, ये है हमारा कोच और मैनेजमेंट स्टाफ, ये है अग्रवाल सर और ये है कोमल। आप सब टीचर्स हैं? हम सब टीचर्स हैं लेकिन कोमल हमारा मैनेजमेंट संभालती है। हाय कोमल, लव यू टू। वो औरत, वो तो मैनेजमेंट स्टाफ वाली कोमल है, पर मैंने पिकासो के घर पे उसी का स्केच देखा था। आई एम श्योर, I'm 100% sure. Oh my God. इसका मतलब वो कोचिंग स्टाफ को डेट कर रहा है। गाइस एक काम करो, तुम लोग घर जाओ, मैं कोमल पर नजर रखती हूँ। नहीं, मैं भी यहीं रुकूंगी। जब वो आएगा तो मैं उसे खुद कन्फ्रंट करूंगी। तो जैसे ही हमें पता चला कि कोमल मैनेजमेंट स्टाफ है तो हमने सोचा कि पिकासो शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पर आएगा तो जरूर उसे मिलने के लिए, तो हम तीनों जन बाहर चले गए। यार पिकासो नहीं निकला ना अभी तक, और वो कोमल भी नहीं निकली अब तक। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, पर पिकासो नहीं आया। तो हमने सोचा कि एक बार ही अंदर जाकर देख लेते हैं कि क्या पता पिकासो अंदर हो। यू वोंट बिलीव कि हमने वहाँ पे क्या देखा।
तुम लोग यहाँ कैसे? सारे लोगों से तो मिल लिए थे ना? क्या क्या कुछ काम है? काम वो तो हमने देख ही लिया, क्या काम चल रहा था यहाँ पे? अरे वो तो बस मैं उसे कुछ नोट चढ़ा। तुम्हें क्या लगा? हाँ कोचिंग क्लासेस बंद करने का टाइम हो गया, क्लास खाली है तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो राइट? तुम कौन हो? मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। क्या है ये सब? कोमल लेट मी एक्सप्लेन, मैं बताता हूँ। शट अप। एक्सप्लेन? तुम क्या एक्सप्लेन करोगे? मुझसे बायो के नोट्स, सुप्रीत से केमिस्ट्री के नोट्स, अब कोमल से फिजिक्स के नोट्स, अब ये तो स्टूडेंट भी नहीं है, मैनेजमेंट स्टाफ से है, और वो तुमसे उम्र में भी छी। आइंदा से कभी मुझे ना कॉल करने की भी कोशिश की ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शट अप। आती प्लीज कामना में आती, आई रियली लव यू आती, प्लीज बिलीव मी, प्लीज फॉरगिव मी। बिलीव यू? तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मैं किसी और लड़के पे भरोसा नहीं कर सकती। डोंट हर्ट, इसकी पनिशमेंट यही है कि हम अपने अपने नोट्स लें और यहाँ से निकल जाएं। कम ऑन गर्ल्स, टेक इट। आते लो मैथ्स का। आती प्लीज डोंट डू दिस। नोट्स निकाल। आती एक हफ्ते में एग्जाम्स में फेल हो जाऊंगा। आती प्लीज मुझे उस टाइम पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था ना। और अगर ये नहीं आती मेरे पास और मुझे सब बताती नहीं तो मैं बस यूं ही भोली बन के उसके बारे में सोचती, उसके लिए पागल होती। खुश हूँ कि एक बंदर की वजह से एटलीस्ट मुझे दो अच्छे फ्रेंड्स तो मिले। हम ये बताने के लिए आए हैं कि कोई भी लड़का हो, डोंट टेक एनी गर्ल, किसी को भी लाइटली मत लो, उसमें हिम्मत है और अगर वो सबके साथ मिलके जुड़ जाए तो किसी भी लड़के की वाट लगा सकते हैं। दिस इज अ गर्ल पावर। हैट्स ऑफ टू योर गर्ल पावर बिकॉज़ ऑफ दैट शी इज एक्चुअली आउट ऑफ ट्रबल। Thank you so much for coming to Emotional Atyachar and sharing your story. We wish you guys all the very best. Thank you so much. Good luck. Thank you. मैं इस बात से खुश हूँ कि एक बंदर की वजह से at least मुझे दो अच्छे friends तो मिले।